तो गाइस फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 और आज के इस वीडियो में हम अपने ट्रक को चलाने वाले एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले रूट पर और अपने जो ट्रक है ना उसे फुल ऑफ रोडिंग करने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो अपने ट्रक को स्टार्ट कर लेते हैं और अपना जो ट्रेलर है ना उसको अपने ट्रक से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपनी लंबी जर्नी पर। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने जो ट्रेलर है ना उसको अपने ट्रक से कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम निकल पड़ते हैं और यहाँ पर गाइस आप गेम की जो ग्राफिक्स वगैरह है ना वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यार रियलिस्टिक लग रही है। मेरे को इस गेम की जो ग्राफिक्स है ना पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सही लगती है और गाइस इस गेम की जो ग्राफिक्स है, जो कंट्रोल है, जो इन्वायरमेंट है, जो फिजिक्स है ना वो हमें काफ़ी सही देखने को मिलती है, जिससे हमारा जो गेम है ना वो काफ़ी ज़्यादा रियल लगता है और गेम को खेलने में भी है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो गाइस यहाँ पर जो अपना मेन मिशन है ना वो है कि हमें जो ये केबल देखने को मिलते हैं ना इतना बड़े बड़े तीन तीन, इनको हमें सही सलामत इनकी डेस्टिनेशन पर पहुँचाना है कैसे भी करके। तो यहाँ पर आप ना फर्स्ट पर्सन में व्यू भी देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ट्रक चलाने में। और भाई यहाँ पर मैं क्या कि टाइम से ब्रेक नहीं लगा पाया और बस ये मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर सामने एक कार वाला भी आ जाता है जिसके कारण भाई अपना जो ट्रक है ना इस खाई में चला जाता है। तो भाई ये तो शुरू होने से पहले ही यार ख़त्म हो गया भाई, तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया यार। तो गाइस यार यहाँ पर टाइमली ब्रेक नहीं लगाने से है ना अपना जो ट्रक का ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है और अपना जो ट्रक है ना इस खाई में गिर चुका है। तो भाई यहाँ से कैसे भी करके हमें बाहर निकालना पड़ेगा तभी हमारा भाई मिशन कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर भाई मैं ट्राई करता हूँ, अगर ये निकल पाता है सीधे तरीके से तो वो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्या ना मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर ऐसे ही निकल जाता है थोड़ी स्पीड बढ़ाकर यहाँ पर से ना आगे से चढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर भाई ट्रक निकल जाता है तो भाई यार काफ़ी सही है, अपना जो टाइम है ना काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। तो यहाँ से ट्राई करते हैं, देखते हैं निकल पाता है कि नहीं निकल पाता, तो लगा देते हैं अपना पूरा जोर यहाँ पर। भाई मतलब नहीं यार, नहीं कर पाए यार, ऐसे कैसे होगा भाई। यहाँ पर मेरे को डिफरेंशियल लॉक ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पर पावर मोड लगाना पड़ेगा और यहाँ पर थोड़ी स्पीड है ना वो मेंटेन करके यहाँ से निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर भाई अपना जो ट्रक है ना भाई यार सेफली बाहर निकल चुका है, भाई यार मज़ा आ गया भाई। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। तो फाइनली गाइस अपना जो ट्रक है ना वो सेफली यहाँ पर बाहर आ चुका है इस वाली खाई से। यहाँ पर हमारा जो साथ दिया ना वो दिया डिफरेंशियल लॉक और पावर मोड ने। भाई इसका जो पावर मोड और डिफरेंशियल लॉक है ना भाई काफी ज्यादा काम के है। यहाँ पर हम ऑफरोडिंग रूट में भी आ चुके हैं। भाई यार ये मतलब क्या है, इन लोगों की दिक्कत क्या है भाई। ये बस वाला जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ तभी सामने आया भाई, ये तो अच्छा हुआ साइड में थोड़ी जगह थी, मैंने कैसे भी करके निकाली। भाई इसको यार बहुत जल्दी है भाई कार वाले को। तू पागल है क्या? अरे भाई 2 मिनट रुक जाए यार, देख नहीं रहा इतना बड़ा ट्रक निकाल रहा हूँ, फिर कहेगा मेरी कार को ठोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और कार वाले के साथ इस ट्रक वाले को भी है ना काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, इसके पीछे ही घुसा दिया सारा। यार मेरे को निकलने नहीं देते, फिर कहते हैं मेरी कार को ठोक दिया, ट्रक को ठोक दिया। तो भाई मतलब ये मतलब क्या ट्रैफिक है, तुम लोग समझदार नहीं हो यार बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं देते। तो गाइस इन चीज़ों को छोड़ो, ये फालतू लोग है, ये ऐसे चलाएंगे ट्रक, हमें ही सही चलाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर अपना जो सफ़र है ना अब स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो अपना जो डेंजरस रूट है ना वो यहाँ पर आ चुका है। अब भाई शुरुआत हो चुकी है अपने डेंजरस रूट की। यहाँ पर हमें अपने ट्रक को है ना काफ़ी ज़्यादा प्यार से, काफ़ी ज़्यादा आराम से चलाना पड़ेगा। यहाँ पर भाई अगर छोटी सी गलती कर दी हमने और अपना जो ट्रक है ना वो भाई खाई में चला जाएगा और खाई में जाने के बाद अपने जो ट्रक को है ना निकालना नामुमकिन हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई अपने ट्रक को काफ़ी ज़्यादा सावधानियों से चलाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा आराम से चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपना जो ट्रक है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रहा है, यहाँ पर स्लिपी एरिया है। तो यहाँ पर भाई अपना ट्रक है ना काफ़ी ज़्यादा स्लिप भी हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो रास्ता भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और चारों तरफ यहाँ पर खाई है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ट्रक को चलाना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पर आगे एक ना मोड़ भी आने वाला है जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो भाई आने वाला क्या आ चुका है। ये जो मोड़ ना भाई काफ़ी ज़्यादा छोटा है और अपना जो ट्रक है ना भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर भाई मोड़ने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो देखते हैं ये हम कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अपने ट्रक को मोड़ तो दिए, मैंने आगे से मोड़ा ताकि हमारा ट्रक है ना पीछे से है ना टच ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। भाई मेरे को ये डर लग रहा है भाई अपना जो ट्रक है ना वो खाई में ना चला जाए। तो यहाँ पर भाई निकालते हैं और आराम से यार भाई यार अपना जो ट्रक है ना वो यार फिर से यहाँ पर फंस चुका है भाई, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई मेरे को इसी चीज़ का डर था कि कहीं अपना जो ट्रक है ना वो फंस ना जाए, और वही हो गया भाई, अपना जो ट्रक है ना यहाँ पर फंस चुका है। तो आगे तो भाई ये जाने का नाम नहीं ले रहा। मैंने यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक को भी ऑन कर दिया है लेकिन उससे भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर भाई इसको ना क्या करते हैं, रिवर्स करके देखते हैं रिवर्स हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। भाई यहाँ पर है ना आगे तो हो ही नहीं रहा है, मैंने यहाँ पर भाई सब कुछ करके देख लिया, अब रिवर्स करते हैं।
तो भाई यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिवर्स हो रहा है, तो मेरे को लगता है ये रिवर्स तो हो जाएगा, आगे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना कि इसको ना रिवर्स कर लेते हैं और फिर यहाँ पर वापस से मोड़ कर इसको सही से मोड़ते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स तो हो चुका है, तो वापस से ना आगे मोड़ते हैं और भाई धीरे धीरे मोड़ते हैं, वापस ना फंस जाए। और यहाँ पर ज़्यादा मोड़ भी नहीं सकते, नहीं तो ये ट्रेलर है ना वो डी अटैच हो जाएगा, तो इसका भी है ना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं मोड़ सकते अपने ट्रक को। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, थोड़ा पीछे ले लेते हैं और यहाँ पर वापस से ना धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे ना यहाँ पर मोड़ के आगे बढ़ाते हैं। तो भाई मेरे को लगता है यार यहाँ पर निकल जाएगा अपना ट्रक यार, फाइनली अपना जो ट्रक है ना यहाँ पर इस वाले मोड़ से है ना काफ़ी सही तरीके से निकल गया। थोड़ी बहुत दुविधाओं का सामना करना पड़ा हमें, लेकिन फिर भी अपना जो ट्रक है ना फाइनली निकल चुका है यहाँ पर। भाई सही है भाई, ये वाला जो मोड़ है ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब मतलब मोड़ तो नहीं आने वाले इतने ज़्यादा खतरनाक, यही था जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मोड़ देखने को मिलता है। अभी आगे देखते हैं और कैसा रास्ता देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ना इसको डिफरेंशियल लॉक को ना इसको बंद करना पड़ेगा, इसमें एक दिक्कत है, अगर हम डिफरेंशियल लॉक को ऑन रखते हैं ना तो अपना ट्रक ना सही तरीके से मुड़ नहीं पाता है। तो यहाँ पर गेम के जो डेवलपर है ना उनको भाई इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरे को लगता है ना ये चीज़ यार नहीं होनी चाहिए, अगर हम डिफरेंशियल लॉक को ऑन करते हैं और अपना जो ट्रक है ना वो सही तरीके से अगर मुड़ ही नहीं पाएगा तो हम अपने ट्रक को कैसे चलाएंगे। मान लो हम अपने ट्रक को ऑफ रोडिंग रूट पर चला रहे हैं, तब हमें यार डिफरेंशियल लॉक को ऑन रखना ही पड़ेगा ताकि अपने जो ट्रक है ना वो अच्छी ग्रिप बना सके और यहाँ पर ज़्यादा स्लिप ना हो, क्योंकि डिफरेंशियल लॉक इसी काम आता है कि अपना जो ट्रक है ना वो ज़्यादा स्लिप ना हो। और मेरे को नहीं लगता अगर हम डिफरेंशियल लॉक को ऑन रखते हैं तो अपना ट्रक सही तरीके से नहीं मुड़ पाता है। अब रियल लाइफ में ऐसा होता है या नहीं होता वो तो मेरे को नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई यार गेम में ये चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ऑफ रोडिंग रूट पर अपने ट्रक को चलाते हैं तो भाई डिफरेंशियल लॉक ना काफ़ी ज़्यादा काम आता है। लेकिन भाई इसमें ना डिफरेंशियल लॉक को जब भी ऑन करते हैं तो अपना ट्रक ना सही तरीके से यार मुड़ ही नहीं पाता है, तो यार एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको यार थोड़ा गेम वाले अगर फिक्स कर दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गाइस जिस चीज़ का मुझे डर था वही चीज़ यहाँ पर भाई हो चुकी है। मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पर भाई बारिश ना हो जाए, क्योंकि भाई यहाँ पर बिना बारिश के अपने ट्रक को चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रहा है। अगर बारिश हो गई तो ये भाई अपना जो ट्रक है ना काफ़ी ज़्यादा स्लिप होगा। और भाई यहाँ पर फाइनली बारिश हो चुकी है, जो चीज़ मैं नहीं चाहता था वो चीज़ यहाँ पर हो चुकी है। मतलब भाई यार गेम वाले भी सही मज़ा ले रहा है, मतलब यार क्या ही बताऊँ मैं यार, पर मैं नहीं चाहता था कि बारिश हो, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर बिना बारिश ही इतनी ज़्यादा ना मुश्किल हो रही थी इस ट्रक को चलाने में। और यहाँ पर बारिश होने के बाद तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यहाँ पर भाई डिफरेंशियल लॉक ऑन कर नहीं सकते, उससे अपना ट्रक सही तरीके से मुड़ नहीं पाता है। और यहाँ पर ऐसे बिना डिफरेंशियल लॉक अपना ट्रक ना काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रहा है, तो भाई दिक्कत तो हो रही है, लेकिन कैसे भी करके तुम्हारा भाई इस ट्रक को चला रहा है। और लेकिन हाँ मज़ा काफ़ी आ रहा है भाई यहाँ पर ट्रक चलाने में। और गाइस आपको है ना वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मेरे को भी पता चल सके अपना जो वीडियो है ना वो देखकर ऑडियंस है ना वो एंजॉय कर पा रही है या नहीं कर पा रही, और मैं अपने वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप किस टाइप के गेम प्ले वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टाइप का कंटेंट आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं, वो सब आप ना मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मेरे को ना वीडियो बनाने में काफ़ी आसानी होगी और आपको ना वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस ट्रक चलाना इतना भी ज़्यादा आसान काम नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और अपने जो ट्रक ड्राइवर है ना वो भाई ऐसे ऐसे रास्तों पर इस तरीके से ट्रक चलाते हैं भाई, मेरी तो ना देख के ही फट जाती है। और गाइस यहाँ पर है ना बारिश वगैरह रुक चुकी है और अपना जो दिन है ना वो साफ़ सुथरा हो चुका है। और भाई यहाँ पर अपना जो रास्ता ना वो भी भाई मतलब मिशन ही कम्प्लीट हो गया अपना, अब अपना ज़्यादा मिशन नहीं है। यहाँ पर हम ना पहुँच चुके अपने लोकेशन पर, यहीं अपने जो सामान ना उसको डिलीवर करना है। और यहाँ पर भाई अपना जो ट्रक है ना वो भाई थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है और अपना जो कार्गो है ना वो भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, लेकिन कैसे भी करके यहाँ पर पहुँचा दिया, वही बहुत बड़ी बात है यार। और हाँ गाइस यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।